अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बराए मेहरबानी एक छोटी सी बात जो हम आपसे बहुत दिनों से करना चाह रहे हैं, इसे लाजमी सुने मुकम्मल। के बराए मेहरबानी हम जो भी रिश्ते आपको बताते हैं, ये अच्छी फैमिलीज के रिश्ते होते हैं, तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपको जो है अच्छे लोगों का, अच्छी फैमिलीज के रिश्ते जो हैं वो आपको बताएं। तो बराए मेहरबानी कोई भी गलत बात या गलत जो है कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि ये जो रिश्ते हैं ये भी किसी न किसी फैमिली के हैं, मुसलमान घरों की औरतों के रिश्ते हैं। तो बराए मेहरबानी गलत बात ना किया करें। हमें कुछ शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि हमने जो है बहुत से लोगों का जो है रबते जो है लड़की वालों से करवाते हैं, लड़की से या कोई फ़ोन नंबर वगैरह दे देते हैं, तो लड़के जो हैं वो गलत बातें शुरू कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे काम ना किया करें। बराए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हमसे वही लोग रबता किया करें शादी के लिए जो शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हों। तो अभी चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी जो उम्र है वो है जनाब 46 ईयर्स, 46 साल। इनका नाम है तानिया। तानिया जो है 46 साल उम्र है और एक बेवा खातून है। इनके शौहर को दुनिया से गए 5 साल का अरसा हो गया है। तो दो बेटियां हैं, एक बेटी की शादी कर चुकी हैं, एक जो इनके साथ ही रहती है अभी छोटी है। तो अभी कुछ अरसा पहले इनके वालदैन का भी इंतकाल हो गया है, तो अभी जो है ये अकेली पड़ गई हैं। तो इसीलिए जो है ये चाहती हैं कि दूसरी शादी कर लें। मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है, अच्छे खानदान से हैं। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र 60 साल तक भी हो, पहली दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हों, मुसलमान हों, तो बड़ा मेहरबानी वो इनसे ताल्लुक़ जो है बनाने के लिए, इनसे रابطہ करने के लिए हमसे जो है रابطہ कर सकते हैं। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे शादी करना, बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम बहुत जल्द आपसे रابطہ कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दें, और हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें। शुक्रिया।